सेहत है तो सब कुछ है। हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर सेंटर द गेटवे ऑफ एनर्जी। मैं हूं राहिला रहमान। दोस्तों, अपने इस खास शो में हम बात करेंगे एक्यूपंचर की, एक ऐसी पैथी जो बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुश्किल बीमारी का इलाज हो सकती है। दोस्तों, एक्यूपंचर क्या है, किस तरह से काम करती है और कितनी सक्सेसफुल है, इस बारे में आज हम जानेंगे हमारी जानी मानी एक्सपर्ट डॉक्टर माई देशमुख जी से और साथ ही डॉक्टर संतोष जी से, जो जुड़े हैं डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर सेंटर से। एक ऐसी जगह है जहां मिलती है आपको अधिकतम सेहत। डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर सेंटर पे व्यक्ति की सेहत का, चाहे फिर वो बॉडी हो, माइंड हो या फिर सोल, सभी प्रकार के स्वास्थ्य का पूरा आकलन किया जाता है और उनका होलिस्टिक थेरेपीज, एक्यूपंचर, हाइड्रोजन थेरेपी, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, HBOT जैसे कई साइंटिफिक और इफेक्टिव थेरेपीज से उपचार किया जाता है। महाराष्ट्र गौरव के अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर संतोष पांडे जी, जो कि एक जाने माने नेचुरोपैथ और एक्यूपंचर के विशेष एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर संतोष से जुड़ी हुई एक्यूपंचर स्पेशलिस्ट डॉक्टर माई देशमुख, जिनके पास 25 सालों का अनुभव है। इन दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर्स के निर्देशन में लोगों के तमाम एलिमेंट्स, चाहे वो डायबिटीज हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई और समस्या, तमाम रोगों का सटीक उपचार किया जाता है। अब तक अनगिनत लोगों की सेहत सेवा डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर सेंटर में हुई है और भविष्य में भी ये सेंटर अच्छी सेहत और सेहत के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिबद्ध है। आइए स्वागत करते हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर माई देशमुख जी एंड डॉक्टर संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत अच्छा अवसर आपके पास भी यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई भी ऐसा सवाल है एक्यूपंचर से रिलेटेड जो आपके मन में आ रहा हो और मैं यहाँ पर पूछ ना पाऊँ, तो आप भी दोनों ही डॉक्टर्स, दोनों ही एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं हमारे इन नंबर्स से जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, एक सबसे बेसिक सवाल से मैं यहाँ पर शो की शुरुआत करना चाहूँगी, एक्यूपंचर। बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिन्हें नहीं पता होगा क्या है, तो मैं चाहती हूँ आप उन्हें बताएं एक्यूपंचर आखिर है क्या। एक्यूपंचर का ऐसा है कि इन यांग, यह दो तत्व माने गए हैं, और दूसरा है इसके पंच तत्व, जैसे कि पंच महाभूत होते हैं उसी प्रकार पंच तत्व, इन यांग और पंच तत्व का बैलेंस करने का यह शास्त्र होता है। और हमारे शरीर में जो हमारे अवयव है, वो अवयव का भी एक एनर्जी स्त्रोत्र है, वो एनर्जी का जो भाव है वो ज़्यादा है या कम है वो देखना पड़ता है, वो सोचना पड़ता है, और वो हिसाब से उसके पॉइंट सिलेक्ट करके वो पॉइंट को एक बारीक सुई से चुभा जाता है। वह सुई बाल से भी बारीक होती है, वो सुई भी उसको चुभा के स्टिमुलेट करते हैं, थोड़ा सा वहाँ घर्षण देते हैं, तो उससे वो जो एनर्जी ज़्यादा जमा हो गई है वो डिस्पर्स हो जाती है, कम हो जाती है, और अगर कम है तो यहाँ बाकी जगह से एनर्जी आती है, यानी कि दोनों का बैलेंस होता है, यही यह एक्यूपंक्चर शास्त्र है। लेकिन डॉक्टर, सुई का जैसे आपने जिक्र किया, भले ही कितनी भी बारीक क्यों ना हो, लोग डर जाते हैं उसके नाम से, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना दर्द होता है उस नीडल को चुभाने में, मतलब एक इंसान के शरीर को कितनी दर्द महसूस होता है। जी, सो जो दर्द का डर है, सुई के दर्द का जो डर है, वो लोगों के मन में बचपन से हुआ पड़ा है। सो जैसे बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, उसको लगता है मुझे सुई लगेगी, तो वही डर वो अपना कैरी फॉरवर्ड करता है हर एज तक। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे माई देशमुख जी ने बताया कि एकदम बहुत बारीक सुइयां होती हैं, तो ये सही है, और निडिल का दर्द एक्चुअली नहीं होता है। अच्छा। वो खाली डर का दर्द है, जो जब पेशेंट कंसल्टिंग में आता है तो लगभग उसी समय उसका डर भी वो निकल जाता है। और एक्चुअली जो निडिल है वो बहुत फाइन है, और इस तरह से उसकी मेक है कि वो इंसर्शन के समय बहुत माइन्यूटली कभी अगर दर्द हुआ तो जैसे चींटी काटती है, शायद उससे भी कम। लेकिन नीडल से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरा यहाँ पर है डॉक्टर देशमुख, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जहाँ दर्द होता है, क्या सिर्फ वहीं पर नीडल लगाई जाती है या उसके आसपास के एरिया को भी कवर करना पड़ता है? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो इन यांग का इम्बैलेंस और सारे पंच तत्व का इम्बैलेंस, इसका शोधन होता है। जो भी बीमारी है, जिस अवयव से जुड़ी बीमारी है, ये सब देखा जाता है, उसके पॉइंट्स निकाले जाते हैं और वो पॉइंट पर चुभाया जाता है।
अच्छा। जैसे कि एक ऑर्गेन के कुछ पॉइंट होते हैं, ऑर्गेन की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वाला एक पॉइंट है, वो ऑर्गेन को एनर्जी कम करने वाला एक पॉइंट है, उस ऑर्गेन में एनर्जी बढ़ाने वाला एक पॉइंट है, बीमारी क्या है, शिकायत क्या है, यह देखने के बाद में उस परीक्षण के बाद में पॉइंट सिलेक्ट करके वो पॉइंट पर स्विच उगाई जाती है। दोस्तों आप यहाँ पर मैं एक सवाल कर रही हूँ एक्यूपंचर से रिलेटेड, और हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो हमारे सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है कि अगर आपके मन में एक्यूपंचर से रिलेटेड कोई भी सवाल ऐसा आ रहा है जो मैं यहाँ नहीं पूछ पाई हूँ अभी तक, तो आप डायरेक्टली दोनों एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर, ये जैसा कि आपने बताया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मुझे थेरेपी लग रही है, और लेकिन क्या ये सबके लिए ओपन है? मतलब आई मीन हर किसी को रिकमेंड किया जा सकता है, ख़ासतौर से अगर प्रेग्नेंट वेमेन की मैं बात करूं तो उन्हें हम इसमें शामिल कर सकते हैं? सो प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी कर सकते हैं। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लगभग 3 महीने तक हम उनको एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ 3 महीने तक, उसके बाद कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको हम रिस्ट्रिक्शन के रूप में लेते हैं, वो पॉइंट्स हम उनको नहीं देते। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के बाद जब कंप्लीट होती है तो डिलीवरी के टाइम पे भी हम लोग एक्यूपंक्चर देते हैं। तो काफ़ी हद तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपने 2 बच्चे खुद हॉस्पिटल में जाके उनकी डिलीवरी एक्यूपंक्चर से करी है, बिकॉज आफ्टर द इंड्यूशन ऑफ द मेडिसिन 12 घंटे तक बच्चे नहीं पैदा हुए। तो उसके बाद मैंने पर्सनली डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके मैंने बोला मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, उन्होंने मुझसे प्रॉपर रिटर्न में लिया है सब। उसके बाद आधे घंटे के अंदर मेरे मतलब पहली बार मेरी बेटी, दूसरी बार डॉक्टर ने खुद बोला अभी आप बोलोगे मैं जाऊँगा, तो दूसरी बार मेरे बेटे का खुद मैंने जाके किया हुआ है। नवजात शिशु अगर है तो नवजात शिशु को नहीं लिया जाता है, कम से कम 6 महीने, 6 महीने के बाद में सुई चिकित्सा उनको हम लागू कर सकते हैं। अच्छा, उसके पहले मोक्सा वगैरह हम दे सकते हैं। जी, और जैसे कि और बीमारियों का भी यहाँ पर नाम आया, तो क्या हम एक्यूपंचर है वो कंबाइन करके किसी ट्रीटमेंट के साथ दे सकते हैं या वो सोली अलग से दिया जाएगा? जैसे कि तरह तरह की बीमारियां होती हैं और कहीं पे किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कुछ, और कोई भी पैथी एक्चुअली अगर कहा जाए तो 100% जैसा रिजल्ट किसी चीज़ में नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। बट हमारे सेंटर में वी हैव गॉट अ वेरी इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ द मेडिकेशन, नेचुरोपैथिक मेडिकेशन। सो हमारे यहाँ पे एक्यूपंक्चर है, कपिंग है, मॉक्सीवेशन है, उसके साथ साथ पेट साफ तो सब रोग माफ ऐसा कहा जाता है, उसके लिए कोलोन हाइड्रोथेरेपी है जो आपकी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी काम आता है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती हो, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता हो, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है, वो हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन थेरेपी है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू नाउ फॉर नाउडेज, और जो जिस तरह की बीमारियाँ चलती हैं उसमें आपकी इम्यूनिटी बहुत हद तक इम्प्रूव होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, आपकी बॉडी की जो एसिडिटी और एल्केलिनिटी के इम्बैलेंसेस हैं वो दूर होते हैं। कि आजकल के लोगों का रहन सहन, खाना पीना सब उल्टा पुल्टा हो गया है, कोई नियम नहीं रहा है उसमें। तो अपचन का, जैसे पहले जमाने में देखा जाए तो अपचन की समस्या एक उम्र के बाद में आती थी, या मसल की प्रॉब्लम या बोन प्रॉब्लम, हड्डी में दर्द है, मसल में दर्द है, यह समस्या एक उम्र के बाद में दिखती थी। आजकल तो 10 साल का लड़का भी कहता है मेरे पैर दुख रहे हैं, अभी बेटा माँ के पैर दबाए या माँ बेटे की सेवा करे ये उलझन दिख रही है। तो ऐसे समय हमको हर एक उम्र को सही रिजल्ट देने के लिए ये सारे नए नए थेरेपीज का उपयोग करना पड़ता है, जिसके साथ में उनको हम पूरा परिणाम दे सकते हैं। सीरियसली डॉक्टर, मैंने आप लोगों के बारे में बहुत सुना था और आज पर्सनली आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, और जिस तरीके की बातें आपने बताई उससे मेरा भी जो डर था नीडल्स का ख़ास तौर से वो दूर हो गया है, और मैं आगे फ्यूचर में देखूंगी कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस चीज़ को ज़रूर अपनाऊँ। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों को भी बताऊँ कि एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने हमें स्पेशली बताया है, डॉक्टर माई देशमुख जी और डॉक्टर संतोष जी के बारे में, कि कैसे एक्यूपंक्चर ने उनकी हेल्प की है। आप भी देखिए, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं जो मेरी भी पर्सनल फेवरेट हैं। आइए मिलते हैं ईशा कुपरिकर जी से। I have always been a fitness freak. I've always wanted to live a healthy lifestyle. I do live a healthy lifestyle. लेकिन इसके साथ साथ कभी कभार हमारी you know health साथ नहीं देती। कई बार ऐसे होता है you feel your energy levels are low. मैं इसलिए पांडे जी आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपने
बहुत साथ दिया मेरा. I still remember once just before my shoot I had severe lower back pain and my sciatica nerve had gone berserk and I just called Pandeji and he came home in the middle of the night and he treated me and I was fine. At least 60% of my weight, of my pain had disappeared. So Pandeji, thank you so much for everything that you have done for me. And I'll be always coming to you for whatever, whether it's pain or whether it's to look good or whatever. Thank you so much for everything. God bless you. डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि कोरोना आजकल जिस तरीके से लोग डर रहे हैं इस पेंडेमिक से, तो आपका डॉक्टर संतोषस हेल्थ केयर सेंटर जो है किस तरीके से हेल्पफुल है इसके लिए? जी, कोरोना एक्चुअली पूरी दुनिया डरी हुई है और कोरोना से मतलब मैं काफ़ी लोगों को मैं भी जानता हूँ, येस दे आर गेटिंग अफेक्टेड समवेयर हियर एंड देयर, बट हमारे थेरेपी में जो हम अभी अपने डॉक्टर संतोषस हेल्थ केयर में प्रोवाइड करते हैं, वी कैन बूस्ट द इम्यूनिटी लाइक एनीथिंग. अगर आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रॉपर है, तो आपको ये भी पता होगा कि एक ही घर में दो जन को होता है और तीन चार पांच जन को नहीं भी होता है. बहुत सारे केसेज ऐसे हमारे सामने हैं. मतलब यही होता है कि अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम है तो आपको कोई भी बीमारी अटैक करती है, चाहे वो वायरस लो, बैक्टीरिया लो, फंगस लो. सो उसके लिए एक्यूपंक्चर हमारा बहुत पावरफुल टेक्निक है. उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है. रोग को आपके शरीर में बढ़ने के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपके शरीर के टॉक्सिन्स हैं, वही बीमारी को बढ़ाने का काम करते हैं. अगर आपने एक बार शरीर को क्लीन कर दिया तो उनको बीमारी बढ़ाने का चांस ही नहीं मिलता है. प्लस वी डू हाइड्रोजन थेरेपी. हाइड्रोजन के बारे में पूरी दुनिया जानती है और आज के डेट में इंटरनेशनली मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेपर्स आए हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं कि इस पैंडेमिक में लोगों ने पूरी दुनिया में हाइड्रोजन का उपयोग बहुत ज़्यादा किया है. और हाइड्रोजन इसके लिए जाना जाता है, सर्वविदित है कि अगर आपकी शरीर की एल्केलिनिटी बढ़ती है तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी का जो प्रसार प्रचार और प्रसार जिस होता है, जिस तरह से प्रसार होता है, वो कम होता चला जाता है. सो अगर हाइड्रोजन इनहेल करते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने बूस्ट एनर्जी बूस्टिंग या इम्यूनिटी बूस्टिंग के पैकेजेस तैयार किए हैं. लोग उसके लिए आ रहे हैं. एक्यूपंक्चर, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी. आपको पता है कि बोला जाता है कि लंग्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है पैंडेमिक में या कोरोना के थ्रू. तो अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन का पूरा प्रसार है, ब्लड का पूरा प्रसार है, उसके साथ आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है, आपकी बॉडी एल्केलाइन हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बीमारी का तो कहीं स्थान ही नहीं बचता है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल डॉक्टर देशमुख, मैं आपसे जानना चाहूँगी उसका जवाब कि ये जो थेरेपी है एक्यूपंक्चर जो हमारी पैथी है, इसमें कितना टाइम लग जाता है एक सेशन में, और अगर एक बीमारी की बात करें तो लॉन्ग टर्म क्योर होने में कितना टाइम लग जाता है? उसमें ऐसा होता है, बीमारी आपकी कब शुरू हुई, बीमारी जल्दी शुरू होती है और आप इलाज भी तुरंत करते हो तो बहुत कम समय में आपको वो बीमारी ठीक हो जाती है. अगर आज बीमार हो गए, आपने कहीं सालों तक वो बीमारी संभाल के रखी है, तो जाहिर बात है आपको उस समय उस बीमारी के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा समय तक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है. हाँ, एक दिन का सेशन जो है वो कभी 20 मिनट का भी रहता है, 30 मिनट का रहता है, 40 मिनट का रहता है. प्राचीन लोग में ये भी सुना है कि पैरालिसिस के वगैरह पेशेंट हो गए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के पेशेंट हो गए, तो उनको एक एक दो दो घंटा भी सुई लगा के रखा जाता है. अच्छा। ताकि हाँ, उनके हर एक के, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम. टाइम लंबा होता है तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ज़्यादा करके जो हमारे क्लिनिक में नहीं आ सकते, बेड रिडन है, सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारी पूरी टीम उनके घर पे जाके उनको ट्रीटमेंट दे सकती है. साथ में कुछ बाहर से आने वाले लोग भी ऐसे हैं, कुछ पेशेंट अभी आपको ठीक हो गया तो आप अपने दोस्तों को बोलते हैं, रिश्तेदारों को बोलते हैं, तो वो यहाँ आकर रहते हैं और हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे, खासतौर से मेरे भी डाउट्स क्लियर करने के लिए एक्यूपंक्चर से रिलेटेड. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस शो के ज़रिए आपके मन में अगर कोई भी एक्यूपंक्चर का ऐसा सवाल होगा जो आपको परेशान कर रहा होगा, वो सॉल्व हो गया होगा. और अगर नहीं भी हुआ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट कर लीजिए. हमारा पता है डॉक्टर संतोषस हेल्थ केयर सेंटर,
4D/4E, 4th floor, Victoria Plaza, above Fab India, SV Road, Santa Cruz West, Mumbai. Or plot number 4, Maple Building, 10 Road, JVPD Scheme, Vitthal Nagar, Juhu, Mumbai. हमारे नंबर्स है 9372143281, 8097555447. हमारा ईमेल आईडी है info@drsantoshp.com. लॉग ऑन करें www.drsantoshp.com. आज के इस एपिसोड में हमने बात की एक्यूपंचर के बारे में. आगे अपने इस ख़ास शो में हम अलग अलग थेरेपी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे. लेकिन तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.